हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की इमेज एसईओ सेटिंग्स के बारे में। रैंक मैथ की इमेज एसईओ सेटिंग को समझने से पहले हम इमेज एसईओ को समझ लेते हैं। इमेज एसईओ का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को भी गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे कि गूगल पर हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गूगल लिखा और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर हम इमेजेस को सर्च करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी साइट की इतनी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस क्यों आई हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन इमेजेस के अंदर या तो अपनी वेबसाइट का नेम यूज़ किया हुआ है, या फिर क्योंकि ये हमारी साइट से रिलेटेड हैं इसीलिए ये यहाँ पर आ रही है। जैसे फेसबुक पर अगर ये आ रही है तो क्योंकि इस इमेज का नाम ही यही रखा गया होगा। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का नेम और अल्टरनेटिव टेक्स्ट सही से रखते हैं तो आपकी इमेजेस भी रैंक करने लगेंगी, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। अब इमेज एसईओ में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो इमेज का टाइटल और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके अलावा कैप्शंस और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बट अभी हम ये कवर करने वाले हैं क्योंकि रैंक मैथ के अंदर ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ की इमेज सेटिंग को आपने कहाँ से ऑन करना है। तो आप रैंक मैथ पे जाएंगे, उसके बाद जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप इमेज एसईओ पे जाएंगे। इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं तो आप इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए मैं इसे ऑफ़ कर दे रहा हूँ तो इसकी सेटिंग्स हमें दिखाई नहीं देने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, ऑन करना है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स वाले बटन पर। तो जब सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज की जो है सेटिंग्स ओपन हो गई। अभी मैं एक बार इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली है ऐड मिसिंग ओल्ड एट्रीब्यूट। अब ये अगर बटन को मैंने ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, अपने आप से जितनी भी आपने इमेजेस अपलोड करी हैं अगर वो किसी पोस्ट में दिखाई दे रही हैं उनके अंदर ओल्ड टैग ऐड कर देगा। और इस बटन का क्या काम है, ये क्या करेगा, टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। टाइटल क्या होता है, जो आप उसका नेम रखते हैं तो उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर वो नेम को ही एज अ टाइटल कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो पहले ओल्ड टेक्स्ट को समझ लेते हैं, ओल्ड एट्रीब्यूट या ओल्ड टेक्स्ट होता क्या है। तो ये देखिए, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या है, जिस टाइम पे गूगल आपकी वेबसाइट यूज़र को दिखा रहा है अगर किसी वजह से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो जो टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देगा उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट। तो क्लियर हुआ आपको। मान लीजिए आपकी इमेज किसी वजह से, मान लीजिए आपके पास 3G या 2G नेटवर्क है, टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो जा रहा है लेकिन इमेज लोड लेने टाइम ले रही है या डिस्प्ले ही नहीं हो रही किसी वजह से, नेट बंद हो गया बीच में, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा आपको, उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्यों हम लगाते हैं, देखिए ये दोनों के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए भी और यूज़र के लिए भी। सर्च इंजन का मतलब क्या है, गूगल को पता चलेगा कि आपकी इमेज किस बारे में है, जिससे वो आपकी इमेज को अच्छे से रैंक करवा सकेगा गूगल पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जब मैंने सर्च किया तो बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल यूज़र को दिखाएगा कि ये इमेज इसी बारे में है, वो कन्फर्म होगा तभी गूगल यूज़र को दिखाएगा। तो वो सर्च इंजन के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड टेक्स्ट यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं यूज़र के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जब इमेज दिखाई नहीं देने वाली है तो क्या दिखाई देने वाला है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देने वाला है। अब आपकी जो इमेज है उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, तो इमेज का जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो भी आप वहाँ पर लिखेंगे वो ये चीज़ को डिफ़ाइन करे कि उस इमेज में हो क्या रहा है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। अब इसको एक बार यूज़र के पर्सपेक्टिव से दोबारा समझ लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीड मतलब स्क्रीन पे देख नहीं पाते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आईज से रिलेटेड, वो रीड नहीं कर पाते हैं स्क्रीन को, तो वो कुछ ऐसे टूल का यूज़ करते हैं जिससे वो स्क्रीन को उन्हें सुनाई देता है, जो भी टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर उन्हें वो सुनाई देता है, ठीक है। तो अगर आपने इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड किया तो वो उसको सुनेंगे,
जब वो उसको सुनेंगे तो वो उन्हें समझ में आएगा कि उस इमेज में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। यानी आपकी इमेज ऐसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको रखना है कि सुनने वाले को उसको पढ़ के बिना देखे समझ में आ जाए कि उसके अंदर इमेज के अंदर क्या दिखाया गया होगा। तो इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक इमेज सेव की है, पहले मैं इस इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस इमेज में देखिए ये गर्ल है, ये जो क्या कर रही है, ये यहाँ पर एक फ़ोन को देख रही है और फ़ोन के अंदर कुछ डिज़ाइंस देख रही है। ये कुछ इमेजेस हैं, ये शायद इंस्टा की इमेजेस हैं और उनको देख रही है। उसके अंदर पेमेंट्स हैं और पहले देखा, फिर उसने आई थिंक पेमेंट किया और उसको बाय किया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको बेस्ट तरीके से कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे मतलब बिल्कुल बिल्कुल एंड तक तो हम इसको नहीं डिस्क्राइब करेंगे, बट फिर भी जितना हम इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे उतना हमें करना है। तो मैंने जो इसका जो टाइटल रखा, जिसको मैं ओल्ड टेक्स्ट की तरह से यूज़ करूँगा, गर्ल वॉचिंग फ़ोन टू एक्सपीरियंस डिज़ाइन, तो फ़ोन को देख रही है डिज़ाइन को देखने के लिए। उसके बाद वो हो सकता है बाय भी करे, पेमेंट पे भी जाए, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। आपको उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ज़्यादातर लोग क्या बताने वाले हैं कि सिर्फ आपके अपने कीवर्ड को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, वो ठीक है SEO के लिए, कभी कभी हम उसको यूज़ करते हैं, बट आपको डिस्क्रिप्टिव रखना है। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी ओल्ड टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने का। अभी हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ में ये कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने ओल्ड टेक्स्ट खुद से डिस्क्राइब नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया आपको खुद ही करना है, लेकिन क्या है कि कई बार मान लो आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, या फिर मतलब आपको आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सभी का ओल्ड टेक्स्ट जाके चेंज करें। बहुत सारी इमेजेस हैं, मान लो थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट को आपने करना है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्या करेगा, रैंक मैथ अपने आप से ओल्ड एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। तब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए फॉर्मेट कौन सा लेने वाला है, पहले तो फाइल का नेम। अब जो भी आपने फाइल का नेम इमेज का अपलोड किया होगा, ठीक है, फाइल का इमेज का जो भी आप नाम रखेंगे और अपलोड करेंगे उसको फाइल नेम में लेना है। फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है साइट नेम, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। आप सिर्फ फाइल नेम को भी एज अ ओल्ड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा साइट टाइटल या साइट नेम एक ही बात है, इसको भी ओल्ड टेक्स्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टाइटल एट्रीब्यूट, अगर ये भी मिसिंग है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। वर्डप्रेस में आप जो भी इमेजेस अपलोड करने वाले हैं उनका टाइटल होगा, आप जो भी उसको नेम देंगे वही टाइटल के अंदर आपका आ जाएगा। तो अब इसको मैं सेव चेंजेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर मीडिया में जाता हूँ और मीडिया के अंदर मैं कुछ इमेजेस को ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये एक इमेज है, ये अभी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, जिसका जो नेम था वो ये था। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओल्ड टेक्स्ट नहीं दिखाएगा ये। तो ओल्ड टेक्स्ट आपको कब दिखाएगा, जो आपने ऑटो इंसर्ट करना है, जब आपका वो पेस्ट या पोस्ट जो है या पेज है आप फ्रंट एंड पे देखेंगे, लाइव उसको देखेंगे। यहाँ पर बैक एंड में आपको कुछ नहीं दिखाने वाला, ठीक है। तो मैं एक बार वो पोस्ट ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने इसको इंसर्ट किया है। तो ये मेरी वो एक पोस्ट है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो इमेज है। यहाँ देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये ब्लैंक है। लेकिन मैं अब इस इमेज को पोस्ट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पोस्ट को ओपन किया। अब यहाँ पर ये जो इमेज आई थी इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए ALT और वो जो हमने रखा था टाइटल जो था उसका, और उसके बाद जो साइट का टाइटल है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब आपको बैक एंड में नहीं दिखेगा, बट लाइव जो साइट होगी वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। अभी मैं इसको आपको लाइव भी दिखाता हूँ। तो इसी में हम क्या करने वाले हैं, हम एक और इमेज जो है वो अपलोड करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाली इमेज अपलोड करता हूँ जिसका जो नेम है वो DM है सिर्फ। इसको ओपन किया और यहाँ पर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं रखते हैं, इसको अपडेट करते हैं और इस पोस्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो हमने इस पर कोई ओल्ड टेक्स्ट नहीं लगाया, बट अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ALT यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या आ रहा है, DM और शाउट एंड राइज। ये क्यों आ रहा है,
क्योंकि हमने SEO सेटिंग्स में क्या किया था, फाइल का नेम और साइट का नेम। ठीक है, ये वर्डप्रेस के कुछ आप शॉर्ट कोड्स कह सकते हैं जिनकी हेल्प से ये आ रहा है। तो फाइल का नेम क्या था, DM था, और साइट का नेम क्या था, हमारा जो साइट का जो हम नाम ने इसमें रखा हुआ है। तो इस तरह से लाइव पे ही आपको ये दिखाई देगा, बट अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप इसकी बजाय क्या यूज़ करें, खुद से अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करें जब आप कर सकते हैं। जब आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसके टाइटल को ही एज अ अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने साइट नेम यूज़ किया। इसकी बजाय अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई फाइल का नेम आ गया, साइट टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, पर ये साइट की डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट का टाइटल यूज़ करना चाहते हैं। कई बार पोस्ट के टाइटल में हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सपर्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, यूआरएल यूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी मोस्ट क्लोज टू आपके कीवर्ड होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पोस्ट का टैग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आइटम आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया और टाइटल हो गया। अब ये हम जो है रैंक मैथ का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ये दो ऑप्शन ही मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रैंक मैथ अगर आप प्रो यूज़ कर रहे होते तो कौन कौन से चेंजेस आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर सकते थे। तो अगर आपके पास प्रो वर्जन होता तो ओल्ट एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट के अलावा आप कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते थे, इमेज की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते थे, टाइटल का केसिंग, ओल्ड टेक्स्ट का केसिंग यानी स्मॉल में या लार्ज में, डिस्क्रिप्शन का केसिंग और कैप्शन का केसिंग भी चेंज कर सकते थे। इसके अलावा जो एवाटार्स हैं उनका ओल्ड टेक्स्ट भी लगा सकते थे, और किसी ओल्ड को कैप्शन या टाइटल को किसी से रिप्लेस करना है तो वो काम भी इसके अंदर आप कर सकते थे अगर आप रैंक मैथ का प्रो वर्जन यूज़ कर रहे होते। तो आई होप आपको ओल्ड टेक्स्ट क्या है और इमेज और रैंक मैथ की ओल्ड टेक्स्ट सेटिंग को किस तरह से करना है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।